students, today we will learn Unit 2, Amazing Animals of Standard 6. Before we will study this chapter, first of all, we should know the meaning of amazing. What do you mean by the word amazing? बच्चों, amazing का मतलब होता है attractive. देखने को मजबूर कर देते हैं वो animal. उन्हें हम कहते हैं amazing. तो आज हम अमेजिंग एनिमल्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहले देखिए एक्टिविटी 1. दिस यूनिट इज अबाउट सम ऑफ द अमेजिंग एनिमल्स दैट शेयर अवर वर्ल्ड. देखिए अब हम यहाँ पे कुछ इस यूनिट में हम ऐसे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि अक्सर हमें अपने वर्ल्ड में दिख जाते हैं, जिनके बारे में पढ़ने में हमें इंटरेस्ट आता है. सबसे पहले देखिए यहाँ पे What animal shape do you see? बच्चों यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिखाई दे रही है, पिक्चर दिखाई दे रही है. आपको बताना है ये कौन से एनिमल की पिक्चर है. एंड यू कैन सी दिस इज द शेप ऑफ बटरफ्लाई. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बटरफ्लाई की शेप की ये पिक्चर दी गई है. नीचे देखिए What words do you find in the shape? आपको इस पिक्चर को ध्यान से देखना है और आपको बताना है कि इस पिक्चर में कौन कौन से वर्ड दिखाई दे रहे हैं. जैसे कि मुझे तो यहाँ पे रेड दिखाई दे रहा है, फ्लाई, कलर, एंटीना, फ्लावर एक्सेट्रा. तो आपको भी इस प्रकार से इस पिक्चर में वर्ड ढूंढने हैं और यहाँ पे लिखने हैं. चलिए अब हम बढ़ते हैं एक्टिविटी 2, बैटल इन द जंगल पार्ट 1. यानी कि बच्चों यहाँ पे बैटल, बैटल यानी कि फाइट, ठीक है, फाइट हो रही थी जंगल में. चलो अब इस स्टोरी के बारे में हम पढ़ते हैं. वंस अपॉन अ टाइम ऑल द एनिमल्स डैट वॉक्ड ऑन लैंड एंड ऑल द बर्ड्स एंड इंसेक्ट डैट फ्लू इन द स्काई बिगेन टू क्वारल. यानी कि बच्चों एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है. यानी कि जो एनिमल्स जो वॉक ऑन, यानी कि जो ज़मीन पर चलते हैं, और एंड द बर्ड्स एंड इंसेक्ट दैट फ्लू इन द स्काई, एंड जो बर्ड्स और इंसेक्ट जो कि आसमान में उड़ते हैं यानी कि स्काई में उड़ते हैं, बिगेन टू क्वारल यानी कि उन्होंने एक बार लड़ाई को क्या कर दी, स्टार्ट कर दी. अबाउट हु वॉज द स्मार्टेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट. और उनकी लड़ाई किस चीज़ को लेकर थी कि उनमें से कौन सबसे ज़्यादा स्मार्ट है और कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है. एट फर्स्ट दे स्पोक सॉफ्टली. जब स्टार्टिंग हुई लड़ाई की तब वो लोग आराम से बात कर रहे थे. देन स्लोली दे बिकम एंगियर एंड लाउडर. और बाद में धीरे धीरे जब वो लड़ाई बढ़ने लगी तब वो सभी एनिमल्स आप थोड़ा थोड़ा गुस्सा होने लगे और चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे. द टाइगर ग्राउल्ड. अच्छा यहाँ पे ग्राउल्ड क्या है बच्चों, देखिए जो टाइगर जब बोलता है तो जो वो जो वर्ड जो साउंड जो निकालता है वो होते हैं ग्राउल्ड, ठीक है. इसलिए यहाँ पे बोला है द टाइगर ग्राउल्ड एंड द वुल्फ हाउल्ड. अब जब वुल्फ जब बोलते हैं जो साउंड निकलती है उसे हम बोलते हैं हाउल्ड. द बर्ड्स गेव लाउड क्राइज एंड कैकल्स. जो बर्ड्स हैं वो जोर जोर से बोलने लगी और उनकी आवाज़ किस में आती है, कैकल्स में. द इंसेक्ट बर्स्ट. अच्छा इंसेक्ट बच्चों क्या, इंसेक्ट जब बोलते हैं तो कौन सी आवाज़ आती है, बर्स्ट. एज लाउडली एज दे कुड. जोर जोर से बोलने लगे जितनी जोर से वो बोल सकते थे. एट लास्ट एन ओल्ड पैरट स्टॉप शाउटिंग. लेट्स नॉट वेस्ट अवर टाइम एंड एनर्जी इन टॉक, लेट्स फाइट. अब लास्ट में क्या होता है, जो ओल्ड पैरट होता है वो उनको चुप करवाता है और बोलता है कि हमें अपना जो समय है वो बातों में और एनर्जी में नहीं लगाना चाहिए, लेट्स फाइट, चलो हम लड़ते हैं, ठीक है, फाइट करते हैं. द एनिमल्स लाफ्ड एट द बर्ड आइडिया. अब जो एनिमल्स थे, अब तो आपको पता ही है बच्चे एनिमल्स क्या होते हैं, ताकतवर होते हैं. तो वो बर्ड की ये बात सुनकर, पैरट की ये बात सुनकर हंसने लगे, ठीक है. व्हाट सेड द लायन. लायन बोला क्या, कैन यू फाइट अस, क्या तुम हमसे लड़ पाओगे. डोंट बी फूलिश, ठीक है, इतने बेवकूफ़ मत बनो. आई कैन बाइट हार्डर देन एनी वन ऑफ यू.
मैं इतना जोर से, मतलब आई कैन बाइट, यानी कि जब आपको पता है बच्चों जो लायन है जब वो काटता है तो वो बहुत जोर से काटता है, ठीक है। और द एलिफेंट सेड आई कैन लिफ्ट अ होल ट्री एंड फाइट यू ऑल एट वंस। और इतनी देर में एलिफेंट क्या बोलता है कि मैं एक बार में एक पूरी ट्री को उठा सकता हूँ, तो एक ही समय में एक ही बार में मैं तुम सारे बर्ड्स के साथ और इंसेक्ट्स के साथ लड़ सकता हूँ, तो तुम ऐसी पागल वाली बातें मत करो, लेट्स मूव फर्दर। अब देखिए आगे क्या होता है। वी विल ईजिली डिफीट यू, इसलिए हम लोग तुम्हें आसानी से, डिफीट यानी कि हरा देना, ठीक है, तो इसलिए हम आसानी से तुम्हें हरा देंगे। विल यू, सेड द पैरट। पैरट ने बोला क्या सही में, वी विल सी अबाउट डैट। उसने बोला चलो देखते हैं, गेट्स रेडी टू फाइट अस, चलिए रेडी हो जाइए हमसे लड़ने के लिए। द लायन बिकम द कमांडर ऑफ द एनिमल्स। ओके, अब जो लायन था वो एनिमल्स को कमांडर बना दिया। कमांडर यानी कि लीडर, लीडर कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं सेनापति, ठीक है। पूरे एनिमल्स का सेनापति कौन बना दिया, लायन। द पैरट बिकम द कमांडर ऑफ द बर्ड्स। और जो पैरट है वो किसका कमांडर बना दिया, बर्ड्स का, यानी कि सेनापति बना दिया बर्ड्स का। द लायन कॉल्ड ऑल द एनिमल्स टुगेदर एंड गेव देम अ ड्रिल फॉर प्रैक्टिस। अब लड़ाई की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। अब वो लोग क्या करते हैं, जो लायन है वो अपने सारे एनिमल्स को बुलाता है ताकि वो लड़ाई की क्या कर सके, प्रैक्टिस कर सके। ड्रिल, ड्रिल क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा जो प्रैक्टिस हम करते हैं, आपने देखा होगा जैसे कि आर्मी में जो लोग जाते हैं या फिर किसी भी डिफेंस या सेना में जाते हैं तो वो लोग मार्च करते हैं, राइट, लेफ्ट राइट चलते हैं, लाइट एट, ठीक है। तो इसी तरीके से लॉयन ने भी अपने सारे एनिमल्स की प्रैक्टिस करवाई। दे मार्च फॉर लॉन्ग आवर्स, वो बहुत देर तक मार्च पास्ट करते रहे, लेफ्ट राइट चलते रहे। ही गेव देम अ लॉट ऑफ गुड फूड टू। अब उन्होंने इतनी सारी मेहनत की है लड़ाई के लिए तो इसलिए लायन का फर्ज बनता है कि वो उन्हें अच्छा खाना प्रोवाइड किया, और उसने वही किया, उसने अपने सारे एनिमल्स को अच्छा अच्छा खाना दिया। द पुअर बर्ड्स डिड नॉट हैव गुड फूड, बट जो पुअर, पुअर यानी कि बेचारे, जो बेचारे बर्ड्स थे उनके पास तो अच्छा खाना था नहीं, और ना ही उन्होंने, एंड दे डिड नॉट प्रैक्टिस, और ना ही उन्होंने कोई प्रैक्टिस की थी। इंस्टेड दे हैड अ मीटिंग विद देयर फ्रेंड्स द इंसेक्ट। अब ये बात तो है ही, अब अगर आप लड़ने जा रहे हो, अब उन्होंने लड़ाई का बोल तो दिया बट ना ही उनके पास खाना था, ना ही उनके पास प्रैक्टिस करने के लिए कुछ था, तो पैरेट ने फिर भी एक मीटिंग बुलाई जिसमें उसने सारे बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को बुलाया। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपको न्यू वर्ड्स दिए गए हैं। एंग्री, एंग्री यानी कि क्वारल, सॉरी क्वारल, क्वारल यानी कि एंग्री डिसएग्रीमेंट, ठीक है। क्वारल मतलब क्या होता है, लड़ना, एंग्री, ठीक है। मेन, लॉन्ग हेयर फ्रॉम द नेक ऑफ सर्टेन एनिमल्स। मेन क्या होता है कि बड़े बड़े बाल, मतलब आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स की जो नेक है वहाँ से बहुत बड़े बड़े बाल निकलते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेन। बैटल, बैटल यानी कि फाइट, जहाँ पे युद्ध होता है, ठीक है, उसे कह सकते हैं बैटल। स्टिंग, स्टिंग क्या होता है, टू हर्ट विद अ सर्टन सडन शार्प पेन। देखिए किसी को हर्ट करना, स्टिंग यानी कि काटना, कहते हैं ना जैसे मधुमक्खी जब काट लेती है किसी को तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो जो भी मतलब कोई भी एनिमल जब किसी को काटता है उसे हम कहते हैं स्टिंग। रॉर, रॉड यानी कि दहाड़ना, जब शेर दहाड़ता है। टू वाटर अ लाउड डीप रमलिंग साउंड। स्पाई, स्पाई टू वॉच क्लोजली एंड सीक्रेटली, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं जासूस, है ना। अगर हमें किसी चीज़ की कुछ कुछ निकलवाना है तो हम अपना आदमी भेज देते हैं ना जासूसी करके ये, तो ऐसे स्पाई का मतलब होता है जासूस। एक्टिविटी थ्री देखिए। थ्री कैरेक्टर्स हैव स्पोकन इन द स्टोरी सो फार, हु आर दे। अभी आपने बच्चों, अभी हमने ये जो स्टोरी पढ़ी है पार्ट वन में, उसमें आपने कैरेक्टर देखे होंगे, तो कौन कौन से थे, लॉयन थे, एलिफेंट था, और कौन था, पैरट, ठीक है। तो उसके यहाँ पे आपको नाम लिखना है। नेक्स्ट देखिए,
Look carefully at the story. How do you know who is speaking? How does the punctuation in the story show you that the characters are speaking? Notice and copy one of the quotations with it punctuation from one of the characters. अब देखिए इसमें बच्चों आपको करना क्या है, जो मैंने आपको स्टोरी पढ़ाई है अभी पार्ट वन, उसमें से आपको वो वाली लाइन उठानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा पंक्चुएशंस हों, ठीक है, और क्वाटेशंस हों, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैं आपको अभी एक एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। देखिए अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, देखिए इसमें देखिए ये रहा लास्ट लाइन, देखिए द एलिफेंट सेड, देखिए कॉमा आया, फिर यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कॉमा आया, आई कैन लिफ्ट अ होल ट्री एंड फाइट यू ऑल एट वंस, अगेन फुल स्टॉप आया, ठीक है। तो आपको ये पूरा क्वाटेशंस में दिया हुआ है, कॉमा में दिया हुआ है, पंक्चुएशन में दिया हुआ है, तो ये लाइन आप लिख सकते हो। देखिए वी विल इजिली डिफीट यू, देखिए अगेन फुल स्टॉप एंड ये इन्वर्टेड कॉमा आया है क्लोज करने के लिए, तो आप ये लाइन लिख सकते हो यहाँ पे। समझ में आ गया? तो आपको कोई भी एक ऐसी लाइन लिखनी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पंक्चुएशन या फिर कॉमा या फिर फुल स्टॉप वगैरह का यूज़ किया है, वो लाइन आपको यहाँ पे लिखनी है। चलिए ना आगे देखिए, अब ये देखिए हम आगे, द स्टोरी सेज ऑल द एनिमल्स दैट वॉक ऑन लैंड एंड ऑल द बर्ड्स एंड इंसेक्ट दैट फ्लू इन द स्काई बिगेन टू क्वारल। अब देखिए स्टोरी का एक टाइप का रिविजन दिया हुआ है, जो स्टोरी हमने अभी पढ़ी उसी का रिविजन दिया हुआ है कि जो एनिमल्स थे, जो एनिमल्स चल रहे थे और जो एनिमल्स हवा में उड़ रहे थे, उनके बीच में सडनली क्या हो जाती है, फाइट हो जाती है। एट फर्स्ट दे स्पोक सॉफ्टली, स्टार्टिंग में वो लोग धीरे 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 लड़ते हैं, बट जब लड़ाई थोड़ी बढ़ती है तो सभी की आवाज़ क्या हो जाती है, गुस्से में और तेज हो जाती है, ठीक है। यू नो व्हाट थ्री कैरेक्टर्स से, बट व्हाट डिड द अदर एनिमल्स से, फॉर एग्जाम्पल द स्टोरी से, देखिए अभी हमने पढ़ा जो टाइगर है वो क्या करते हैं, ग्राउल करते हैं, ग्राउल यानी जब वो बोलते हैं तो कौन सी साउंड निकलती है, ग्राउल। बुल्स हॉल्ट, बर्ड क्या करते हैं, कैकल्स, एंड इंसेक्ट की क्या वॉइस होती है, बर्स्ट। ओके अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ दिया हुआ है, व्हाट डू यू थिंक द टाइगर्स एंड बुल्स बर्स्टिंग विद देयर ग्रोलिंग एंड हॉलिंग, वर्क विद अ पार्टनर इन अ ग्रुप और एज अ क्लास, इमेजिन एंड क्रिएट अ न्यू डायलॉग बिटवीन टू और थ्री अदर कैरेक्टर्स, यूज पंक्चुएशन दैट यू हैव नोटिस फ्रॉम द स्टोरी टू शो हु इज स्पीकिंग। देखिए आपको बच्चों क्या करना है, आपको यहाँ पे एक डायलॉग लिखना है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, आपको बताना है कि जो टाइगर्स हैं और जो बुल्स हैं वो आपस में क्या बातें कर रहे होंगे, तो वो आपको अपने इमेजिन अपनी कल्पना के अनुसार आपको यहाँ इस एक्टिविटी में लिखना है कि जो टाइगर हैं और जो बुल्स हैं वो आपस में क्या बात कर रहे हैं, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पंक्चुएशन मार्क की यूज़ करनी, पंक्चुएशन मार्क यानी कि फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, तो इन सब चीज़ों का आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने डायलॉग में यूज़ करना है। तो ये एक्टिविटी है, ये आपको खुद करनी है। ओके चलिए आगे, एक्टिविटी फोर देखिए, बैटल इन द जंगल पार्ट टू। तो अभी हमने पार्ट वन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पार्ट टू। चलिए आगे क्या होता है देखिए, एट द मीटिंग द पैरट कॉल्ड ऑन देयर फ्रेंड्स द फ्लाई, यू बिकेम द स्पाई फॉर अवर आर्मी, टेल अस द एनिमल्स प्लान। देखिए अब इसमें क्या होता है, बाद में क्या होता है, जो पैरट होता है वो मीटिंग बुलाता है, मीटिंग में वो अपने फ्रेंड फ्लाई को बुलाता है। अब फ्लाई क्या होती है, देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, ये होती है फ्लाई, ठीक है, मक्खी टाइप कह सकते हैं। यू बिकम द स्पाई ऑफ अवर आर्मी, अच्छा अब वो पैरट फ्लाई को क्या बोलता है कि तुम हमारी आर्मी की क्या बनोगी, स्पाई, स्पाई यानी कि जासूस बनोगी। टेल अस द एनिमल्स प्लान, तुम्हें जाना है और एनिमल्स का जो प्लान है आगे की जो रणनीति है उनकी फाइट को लड़ने की, वो तुम्हें जाके सुन के आनी है कि उनकी आगे की रणनीति क्या होने वाली है। यस सेड द फ्लाई, फ्लाई ने कहा हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जाऊँगी, आई विल बिकम द स्पाई ऑफ अवर आर्मी फॉर अवर आर्मी, उसने बोला हाँ मैं स्पाई बनने के लिए रेडी हूँ अपनी आर्मी की। बिफोर द बैटल द लॉयन कॉल्ड ऑल द एनिमल्स टूगेदर, द टाइनी फ्लाई फ्लू इन एंड हाइड नियर बाय। देखिए
बिफोर द बैटल, यानी कि जब लड़ाई शुरू होने के पहले जो लॉयन है वो अपने सारे एनिमल्स को फिर से एक बार बुलाता है। जो टाइनी फ्लाई होती है वो वहाँ पे जाती है और उनकी सारी बातें छिप कर सुनती है। चलिए अब आगे देखिए क्या होता है। आर यू ऑलरेडी द लॉयन आस्क्ड। अब जब वो मीटिंग बुलाता है तो उसमें पूछता है लॉयन सभी अपने एनिमल्स से, क्या तुम सब रेडी हो फाइट के लिए? यस वी आर रेडी, दे ऑल शाउटेड, वी आर रेडी टू गो टू द बैटल फील्ड। देखिए इसमें क्या होता है, वो सब बोलते हैं यस हम सब लोग रेडी हैं, वो बहुत साथ में एक साथ सब लोग बोलते हैं यस हम लोग रेडी हैं बैटल फील्ड में उतरने के लिए। बैटल फील्ड क्या होती है, युद्ध का मैदान, मैदान में उतरने के लिए। देन लिसन केयरफुली सेड द लॉयन, तो लॉयन ने कहा अब मेरी बात ध्यान से सुनो। द लॉयन विस्पर्ड, अब बच्चों इसमें विस्पर्ड का मतलब क्या है, विस्पर्ड यानी कि धीरे से बोलना। अब लॉयन धीरे से बोलता है ताकि कोई सुन ना ले, आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक प्लान है। कैप्टन फॉक्स, जो फॉक्स है, यू हैव अ नाइस लॉन्ग टेल, तुम्हारे पास बहुत अच्छी सी टेल है, ठीक है। यू विल बी माई सिग्नल, तुम क्या बनोगे हमारे ग्रुप के लिए, मेरे लिए एक सिग्नल बनोगे, तुम एक सिग्नल का काम करोगे। ऑन द बैटल फील्ड, युद्ध के मैदान में, आई शैल विस्पर इन योर ईयर, मैं तुम्हारे कान में धीरे से बोलूँगा, वेन इट इज़ टाइम टू फाइट, जब टाइम होगा लड़ने का तो मैं तुम्हारे कान में धीरे से बोलूँगा। You will put up your long tail to signal all the animals to attack the birds. Is that clear? उसने बोला मैं तुम्हारे कान में धीरे से बोलूँगा कि अब हमें लड़ाई जो फाइट है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो तुम क्या करोगे अपना जो टेल है उसको जो कहते हैं ना उसको तुम क्या करोगे लॉन्ग कर लोगे, लॉन्ग यानी कि खड़ी कर दोगे ताकि जितने भी और एनिमल्स हैं उनको ये पता चल जाए कि सबको अभी क्या करना है, अटैक करना है, हमला बोलना है, ठीक है। ये समझ में आ गया, इज डेट क्लियर? क्या तो वो बोलता है वेरी क्लियर सर शेड द फॉक्स, तो फॉक्स बोलता है यस मुझे पूरा समझ में आ गया, वेरी वेल शेड ऑल द एनिमल इन वन वॉइस, तो सारे एनिमल्स बोलते हैं ओके चलो बढ़िया चलिए। द फ्लाई हरी टू टेल द पैरेट द लॉयन सीक्रेट प्लान, अब जो फ्लाई है वो फटाफट से जाती है अपने पैरेट के पास, अपने ग्रुप में जाती है और सब कुछ पैरेट को बता देती है कि लॉयन का अगला प्लान क्या है। द टाइम फॉर द बैटल कम, अब लड़ाई का जो युद्ध का जो समय है वो आ गया था। बोथ साइड मेट ऑन द बैटल फील्ड, अब दोनों साइड यानी कि जो एनिमल्स जो ज़मीन पे चलते हैं और जो बर्ड्स हैं वो बैटल फील्ड में आ गए थे। सून द लॉयन विस्पर्ड टू द फॉक्स, जैसे ही लॉयन फॉक्स को फॉक्स के कान में बोला, सिग्नल दिया, इट इज टाइम पुट अप योर टेल, उसने बोला चलो अब तुम अपने टेल को खड़ी कर लो। द फॉक्स पुट अप हिज टेल, जैसे ही फॉक्स अपने टेल को ऊपर खड़ी करने जा रहा था सिग्नल देने के लिए द एनिमल्स टू अटैक, ताकि एनिमल्स अटैक कर सकें, बट द पैरेट वॉज रेडी, ही क्विकली एंड क्वाइटली सेड टू द बी, उसने तुरंत बी को बोला, बी को मधुमक्खी जो होती है उनको बोला, हरी एंड एडवांस एंड स्टिंग द फॉक्स टेल, जाओ जल्दी जाओ और फॉक्स की टेल पे क्या कर दो, काट दो, ठीक है। स्टिंग का मतलब क्या होता है, काटना, जब कोई एनिमल्स हमें काटता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टिंग, ठीक है। तो अब इसमें जो पैरेट है वो फटाफट से बहुत ही वो पहले से ही रेडी था कि आगे हमें करना क्या है। अब आगे बढ़ो तो आगे देखिए, द बी स्टंग द फॉक्स, अब बी ने फॉक्स की जो टेल है उस पर काटा। ही स्टिंग हिम वंस, ही स्टिंग हिम ट्वाइस, ही स्टिंग हिम थ्री टाइम्स, अब उसने एक बार नहीं दो बार नहीं बल्कि तीन तीन बार फॉक्स की टेल पर काटा। द फॉक्स फॉरगेट ऑल अबाउट द सिग्नल, अब इतनी देर में जो फॉक्स है वो सिग्नल सब कुछ क्या हो गया था, भूल गया था। ही जंप्ड, वो जोर से कूदने लगा, ही शाउटेड जोर जोर से चिल्लाने लगा। He ran in circles after his injured tail.
देखिए वो बार 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 क्या करने लगा, चक्कर लगा लेने लगा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था। एंड फाइनली टक्ड हिज टेल। अच्छा टक्ड क्या होता है, जैसे कि हम दबा लेते हैं ना किसी चीज़ को अच्छे से, जैसे कि मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको, ताकि टक्ड का आपको मतलब समझ में आए। जैसे कि कभी 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 कभार आपने देखा होगा, जब आप स्कूल में आते हो तो आपकी जो ड्रेस होती है, वो जो ऊपर की जो शर्ट होती है, वो कभी कभी मतलब पैंट से बाहर आ जाती है ना। तो हम कितनी बार बोलते हैं, जाइए और इसको अच्छे से पैंट में दबा लीजिए। तो ऐसे टक्ड का मतलब होता है दबाना। तो जो फॉक्स था उसने टक्ड हिज टेल बिटवीन हिज लेग्स, उसने अपनी जो टेल है, जो अपनी जो पूंछ है, उसको अपने पैरों में दबाया और वहाँ से भाग गया। द अदर एनिमल्स वर कन्फ्यूज एंड रन आफ्टर हिम। अब सारे एनिमल्स कन्फ्यूज हो गए और सभी उसके पीछे पीछे भागने लगे। दे रन अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड, और इसी तरीके से वो सब बैटल फील्ड को छोड़ के भाग गए। दे लॉस्ट द बैटल, और वो बैटल हार गए, वो युद्ध हार गए। द बर्ड फ्लटर्स देयर विंग्स इन जॉय। अच्छा अब जो बर्ड्स हैं वो जोर जोर से, देखिए फ्लटर क्या होता है, जोर जोर से पंख उड़ाना कहते हैं ना, जोर जोर से पंख उड़ाना। तो वो अपने विंग्स को जोर जोर से उड़ा रही थी खुशी के मारे। एंड दे हैड वॉन विदाउट फाइटिंग एट ऑल, और वो लोग जीत गए बिना लड़े, वो लोग इस बैटल को जीत गए। तो बच्चों आज हमने एक्टिविटी 4 तक समझ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 5 और अगला और आगे का चैप्टर। चलिए थैंक यू।